दोस्तों नमस्कार, स्वागत है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और विपक्ष मोदी सरकार को घेरने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता है और ऐसा ही कुछ मौका अब कांग्रेस के हाथ लग चुका है और निशाने पर हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। जी हां दोस्तों, गोवा में अवैध बार चला रही स्मृति ईरानी की बेटी पीएम मोदी उन्हें बर्खास्त करें, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। इस समय की बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है मोदी सरकार को घेरने का। कांग्रेस ने मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में एक अवैध बार चला रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि स्मृति ईरानी की बेटी द्वारा लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिसकी मई 2021 में मृत्यु हो गई और लाइसेंस गोवा में जून 2022 में लिया गया था, लेकिन जिस व्यक्ति के नाम लाइसेंस है उसकी मृत्यु तो 13 महीने पहले ही हो गई थी, फिर लाइसेंस कैसे मिल गया। आपको बताते चलें दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर अब यहाँ कांग्रेस पार्टी केंद्र की बीजेपी सरकार पर हावी होती नजर आ रही है और मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है और दबाव है स्मृति ईरानी को यहाँ पर बर्खास्त करने का। देख सकते हैं दोस्तों, बीजेपी सरकार बुरी तरीके से घिर गई है और कांग्रेस पार्टी हमलावर है। खबर को लेकर अपनी राय जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।